चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 38 पर आ जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, अ मैन नेम्ड, एक आदमी जिसका नाम था रेने डी रेमर, वॉच्ड सम वेस्प वी नाउ कॉल द पेपर वेस्प। एक आदमी जिसका नाम रेने डी रेमर था, उसने क्या देखा, कुछ वेस्प को देखा, वी नाउ कॉल द पेपर वेस्प, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, पेपर वेस्प बोलते हैं। ये तो उन्होंने इन लोगों को देखा। अब ये वेस्प क्या होते हैं, ये हड्डा होता है, ठीक है। तो दीज इंसेक्ट्स वर मंचिंग ऑन वुड्स, ये जब देखे तो ये इंसेक्ट्स कर क्या रहे थे, वो वुड पर कुछ मंचिंग कर रहे थे, मीन्स उसको खोदना टाइप ये लोग कर रहे थे। दे वर नॉट ईटिंग इट एग्जैक्टली, वो उसको खा नहीं रहे थे, बट चूइंग इट अप, लेकिन क्या कर रहे थे, चबा रहे थे। स्पिटिंग आउट द सॉफ्ट मिक्सचर एंड फॉर्मिंग नेस्ट विथ इट, और क्या कर रहे थे, जैसे वो जब उस लकड़ी को चबा ले रहे थे, तो उसमें जब वो उनके मुंह के अंदर वो सॉफ्ट सा मिक्सचर बन जा रहा था, तो उसको थूक दे रहे थे। सॉफ्ट मिक्सचर को क्या कर रहे थे, स्पिट कर रहे थे, मीन्स थूक दे रहे थे, और वही जो थूका हुआ मिक्सचर था सॉफ्ट, उसी से वो अपने घोंसले को बना रहे थे, अपने नेस्ट को बना रहे थे। समझ में आया, आगे देखते हैं। रेमर ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी, रेमर इस एक्टिविटी को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ही पुट ऑन हिज थिंकिंग कैप, वो ये सोचने लगे, मतलब वो लगातार ये सोच रहे थे, एंड रियलाइज्ड, और फिर उन्होंने ये रियलाइज किया दैट द वेस्प वो मेकिंग पेपर आउट ऑफ द वुड, कि ये सारे वेस्प क्या कर रहे हैं, ये उस वुड से क्या कर रहे हैं, पेपर को बना रहे हैं, एक तरह से वो पेपर बना रहे हैं और उसको लगा लगा के अपना ये नेस्ट तैयार कर रहे हैं। रेमर नेवर मेड पेपर लाइक द वेस्प, रेमर ने कभी भी वेस्प के तरह पेपर नहीं बनाया, बट had stumbled upon the secret of practical paper making, that wood could be broken apart like other organic material and made into paper. लेकिन उनको means ये सब देख कर उनको एक thinking means एक सोच मिल गई, उन्होंने एक lesson learn कर लिया, means एक चीज़ उनको सबक मिल गया, वह जान गए कि क्या चीज़, the secret of प्रैक्टिकल पेपर मेकिंग, कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम पेपर को बना सकते हैं, ये चीज़ उनको एक जानकारी मिल गई एक तरह से। दैट वुड कुड बी ब्रोकन अपार्ट, कि हम अगर लकड़ी को काट देते हैं लाइक अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल के तरह, एंड मेड इनटू पेपर, और उसको हम पेपर में बना लेते हैं, उसको हम पेपर बना लेते हैं। इफ रेमर हैड रिटन डाउन हिज पेपर रेसिपी और द वेस्प रेसिपी, इट माइट हैव लुक लाइक दिस, अगर रेमर लिखते हैं इस पेपर रेसिपी को, ठीक है, कि ये पेपर कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी क्या है, अगर वो ये लिखें, या फिर क्योंकि ये वेस्प ने बनाया है तो हम ये कहेंगे कि वेस्प की रेसिपी है, तो या फिर आप कह सकते हैं कि वेस्प की रेसिपी को अगर वो लिखें तो इट माइट हैव लुक्ड लाइक दिस, तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। क्या है, वुड फाइबर यानी लकड़ी का रेशा जो है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी इक्वल्स टू पेपर, यानी कि जब वुड फाइबर में हमने पानी ऐड किया, पानी कैसे ऐड किया, ये लकड़ी को ये लोग मंचिंग कर रहे, ये लोग क्या कर रहे थे, लकड़ी को मंचिंग कर रहे थे और उसके बाद च्यूइंग कर रहे थे, जब च्यू कर रहे थे मींस चबा रहे थे, तो इनके मुंह में जो सलाइवा के वजह से जो चीज़ के वजह से वो गीला हो रहा था, वो उसी को यहाँ पे लिखे गए हैं कि वाटर, और फिर एनर्जी मींस चबाने में उनकी जो भी ताकत लगी थी उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है एनर्जी, यानी वुड फाइबर में वाटर और एनर्जी को जब ऐड करते हैं तब क्या बन जाता है, पेपर बन जाता है। आगे देखिए, दिस बेसिक आइडिया, ये बेसिक आइडिया प्रूव्स टू बी अ ग्रेट सक्सेस टिल टुडे, ये आइडिया आज तक बहुत बड़ा सक्सेस रहा, ठीक है, ये छोटा सा आइडिया,
वी चेंज द काइंड्स ऑफ वुड्स, हम क्या कर सकते हैं, ये जो वुड्स का काइंड है मीन्स अलग अलग तरीके के हम वुड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो जिसको कर रहे थे हम उसके अलावा कुछ और वुड्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड द वेज ऑफ मेकिंग द मिक्सचर, और जो जो हमारा जो तरीका होगा मिक्सचर को जो हमारा जो तरीका होगा मिक्सचर को मेक करने का बनाने का, टू गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर वी वॉन्ट, ताकि हम अलग अलग तरीके के पेपर जो हम चाहते हैं वो बन सके, मीन्स मिक्सचर्स को अलग अलग जो है अलग अलग वुड लेकर हम अलग अलग तरीके का मिक्सचर बना के अलग अलग तरीके का पेपर जैसा हम चाहते हैं हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में लिखा है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पेपर, बहुत तरह के पेपर होते हैं, न्यूज़ पेपर्स, स्कूल बुक्स, राइटिंग स्टेशनरी, एनवलप्स, बॉक्सेस, पैकिंग, रैपिंग पेपर्स, पेपर टॉवल, टिश्यूज एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट, ये सब कुछ आपके पेपर्स हैं, अलग अलग तरीके के पेपर्स बताए गए हैं। नाउ एवरी डे, हर दिन, अब हर दिन पेपर मेकिंग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, जो पेपर मेकिंग कंपनीज हैं पूरे जो है दुनिया भर में, टर्न वुड फ्रॉम ट्रीज, वो क्या करती हैं, वो जो ट्रीज होती हैं उनसे उनकी लकड़ियों को क्या करती हैं, बदल देती हैं इनटू पल्प, यानी गूदे में बदल देती हैं, पल्प इनटू पेपर, और उस गूदे से पेपर में बदल देती हैं, एंड पेपर इनटू प्रोडक्ट्स, और उस पेपर से हमारा प्रोडक्ट पेपर से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है जो हमें प्रोडक्ट बनाना है। वी ऑल नीड एंड यूज़, उस वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है जो कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिस चीज़ को हमें यूज़ करना है। टुडे मोर देन 95% ऑफ पेपर, आज 95% से भी ज़्यादा पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, वो किस चीज़ से बने होते हैं, लकड़ियों से बने होते हैं। पेपर वॉज वंस मेड वन शीट एट अ टाइम बाय आर्टिस्ट एंड मैनी पीपल स्टिल इंजॉय मेकिंग दियर ओन स्पेशल पेपर, यानी जो आर्टिस्ट होते थे वो अपनी आर्टिस्ट डिज़ाइंस के लिए जो है क्या करते थे कि वो एक शीट बनाते थे, एक बार में एक शीट बनाते थे और उस स्पेशल पेपर को, अपने खुद से बनाए हुए स्पेशल पेपर को वो इंजॉय करते थे। इन द लास्ट 20 ईयर्स, आखिरी के 20 सालों में, द यूजेज ऑफ पेपर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विच हैज़ इंकरेज्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी आखिरी के 20 सालों में क्या हो गया कि जो पेपर का यूज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसके वजह से लोगों को पेड़ों को काट मीन जो कटिंग थी ट्रीज़ की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। दिस कैन बी चेक्ड बाई यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर, बिकॉज रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ पेपर सेव्स अबाउट 17 trees। दिस कैन बी चेक्ड, यहाँ चेक्ड का मतलब है स्टॉप करना, यानी कि इसको ये दिस शुड बी स्टॉप मीन्स इसको रोकना चाहिए, बाय कैसे रोकेंगे, बाय यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर, अगर हम पेपर को रिसाइकल कर दें तो ये जो पेड़ों की कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सब कुछ रुक जाएगा, बिकॉज रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ पेपर, अगर हम 1 ton पेपर का रिसाइकल करते हैं तो उससे क्या होता है, सेव्स अबाउट 17 trees, हमारे 17 पेड़ बच जाते हैं। सो हियर यू कैन सी योर चैप्टर इज ओवर, नाउ ऑल ऑफ यू कम इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर।